सौ बच्चों की मांग तो कभी नहीं कहा तो सर पे हाथ रखकर इन्होंने हम तुम्हारे साथ नहीं कहा। उन्होंने हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनने वाले बच्चे अपने आप पे आग लगा लिए, शराब पीकर मारे, खुदकुशी करने पार्लियामेंट के सामने जाके अपने आप को लटका लिए। मैं कभी इन्होंने तेलंगाना की फिगर में बात नहीं की। मेरी वो जमात है जिन्होंने तेलंगाना आने के बाद आई तो आने वालों से कहा कि आप अपने घर पे अम्मा या अम्मी करो, हम आपकी इजाजत देंगे। आंगला से हम लोग भी तेलंगाना वालों से दुश्मनी विरोध में नहीं, हमारे पास किस तरीके से हो सकता है बताइए। रोड करके बोलो मेरे भाई, आप लोग आपको 1300 बच्चों की आत्माओं को जवाब देना पड़ेगा। आपको क्या मैं तो हर आदमी अगर वो हिंदू है तो हिंदुस्तान में हिंदू ही रहना है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, इनकी जागीर नहीं। नौ बार कहते हैं हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये अहमद पाशा खादरी कौन है आपको बताए? अगर कोई भी मेरा हिंदू भाई अगर अपने दिल में जरा भी जगह रखता है, अगर वो मंदिर को जाता है, अगर वो पूजा करता है, अगर उसके दिल में आत्मा कहीं भी घटन लगाती है तो सर पर बदला लेगा वो बदला। एक से जरिए आप परिवार मत चढ़ाए भाई, जाने मत दे भाई, सिर्फ एक के जरिए बदला लो। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बेहतरीन आपके पास हथियार जो है वो ओट है। ओट लो, हथियार के तरह इस्तेमाल करो। ये पाशा खादरी है, सारे लोग है चार मीनार के मंदिर का आगे जाता है, पूरा निकालो पूरी मंदिर अदा करो यहां से, कहता है या नहीं आप सारे लोग गवाह है। फिर भी यहां के हिंदू भाइयों से कहता है मैं नोट डालूंगा और देख लूंगा। इस मंदिर के लिए अगर सोचते हैं तो आप वोट नहीं देंगे। ये सेकुलर हिंदुस्तान है और सेकुलर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर के हकदार है। यहां पर आपको लास्ट जो मुसलमान हिंदू भाइयों ने मंदिर का खुद के साथ दिया फिर भी लाले, उसके बाद मेरे पास आ गया नहीं आपके मंदिर के सामने डर के मंदिर निकालो कह दिया, क्या आपके दिल पे घर रहेगी बताइए। आप लोग एक ढंग से लेता है तुम्हारे एग्जाम में डरता है। आपके लिए हुशियार हो जाए, जान लो तेलंगाना राज्य समिति तुम्हारे पास इसलिए आई है कि यहाँ रहने वाला हिंदू रहे हिंदू रहे, मुसलमान मुसलमान, सिख सिख, ईसाई ईसाई, सब अपने अपने काम करे। हम वही जन्ना गंगा जन्ना तहजीब मैं नजर से कहता हूं, मैं इस हैदराबाद में उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने इस हैदराबाद को बसाया। खुदी खुद अच्छा आसिफ जारी हो जिन्होंने हैदराबाद बसाया, खुदी खुद अच्छा जिनका प्राण है जो अकन्या माधव में जैसे लोग थे, मैं उस जगह का रहने वाला हूं और उसी खानदान से ताल्लुक रखता हूं जहां पर ये देखा जा रहा है। आपने देखा कुतुब शाही के 400 साल में एक जगह भी आप बताइए एक मंदिर तो नहीं, एक हिंदू भाई का दिल दुखा बताइए आपको। आगे से आजादी के बाद तक कभी भी कहीं भी किसी किस्म का हिंदू और मुसलमान का फसाद नहीं हुआ। आजादी के बाद ये लोग शुरू हो गए। बताइए आप लोग लगी सकते हो दोनों सुने, खासतौर पर यह कहा जाता है ये जमात मुसलमानों की जमात है और वक्त पड़ता है तो हिंदू भाइयों को टिकट बेचते हैं लोग, हिंदू भाइयों को टिकट बेचते हैं और कहते हैं मुसलमान की जमात है। उसके बाद फिर जल्द जगह बैठा रहे
यही डरे हुए यही इलाके में डर के बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इसलिए बड़ा मेहरबानी, जागो 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 मेरे भाई, आज वक्त आ गया है आपके लिए, और फैसला करना होगा 30 तारीख को कि आप किसका साथ देंगे, एक सेक्युलर पार्टी का साथ देंगे या फिर इनको लेके आकर बिठाएंगे। ये कह रहे हैं हम 50 साल का जश्न मनाएंगे चांद मीनार पर, अभी 2 साल बाकी है भाई, तो 2 साल के लिए जश्न मनाने के लिए अभी 2 साल बाकी है, तो 2 साल में अगर आप जश्न मनाने की बात करते हैं, आप बोल देते हैं तो फिर ये चांद मीनार पर जश्न मनाएंगे और आप खून के आंसू बहाएंगे। ये वक्त है, ये वक्त है, इसको बदल डालो, लेने का वक्त है, तलवार से मत लो, तीर मत लगाओ, रिवॉल्वर मत लो, और तुम्हारे पास बड़ा हथियार है उसका इस्तेमाल करो। 30 तारीख को दो लगातार लगातार अपने कार को दबाओ, उनसे बदला ले लो, सीधा सीधी बात है, इनको पांच मत करो, सुबह उठो सीधे सीधे अपने कार को बदल लगाओ, खुद ना खुद काम चलने लग जाएगा। अगर तुम चार मीनार को आजाद करवा लिए, मैं कहता हूं तुमसे खास बात यह है कि लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, रात में बदलने की कोशिश करेंगे। मैं याद रखना चाहता हूं, अगर कोई शख्स अपने नजर में पैदा होता है तो उसका पूरा पूरा हक है कि उन्हें अपने मजहबी कारकर्दगी की पूरी करे। यह आजाद मुल्क है, आजाद मुल्क है, कोई मंदिर भी बना सकता है, मस्जिद भी बना सकता है, दरगाह भी बना सकता है, आप हिसाब से करिए। क्या कह रहे पूरे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों से, आप लोगों में से कितने आदमी हैं जो श्रीनी साहेब बाबा को मानते हैं, हाथ उठा के बताइए। आप लोग इतने ज्यादा श्रीनी साहेब बाबा को मानने वाले लोग जिसके मंदिर के पास जाओ, एक तरफ मस्जिद दिखेगी, दूसरी तरफ मंदिर दिखेगी, दूसरी तरफ छत दिखेगा, उधर गुरुद्वारा दिखेगा, है या नहीं बताइए। आप लोग हम उनके मानने वाले वैसे मानने वालों के लोग ऐसे लोगों को एक महीने के भाई, अगर कोई आए भी तो कह रहा है रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, किस किस्म का वोट मांगने आए। मैं मुसलमान भाइयों से भी यही अपील करता हूं, आप वोट किसको देते हैं, कौन आपका होगा हकदार है। यहां बैठे कई मेरे हिंदू भाई, कितने लोग हैं दरगाह सुफियान जाते हैं, छायनपुरा जाते हैं, बड़ा पहाड़ पे जाते हैं, हर जगह दरगाहों को जाते हैं। अरे वो लोग जो भूखे रहे लोगों को बांटा, जंगल 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 में रहे लोगों के लिए दुआ की, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, इसीलिए आज हिंदू भाई मुसलमान भाई उनकी दरगाह पे जाके फूल डालते हैं। अरे वैसे मुसलमान बनो तो हिंदू भाई दिल से लगा लेगा, तो मर भी गए तो फूल डालेगा, ऐसे मुसलमान बनो, ऐसे मुसलमान मत बनो, मंदिर से डालो, मस्जिद निकाल डालो, या हम उनको यहां से हटा देंगे, चावला आगे से मंदिर हटा देंगे, हरे को लाल कर देंगे, लाल को हरा कर देंगे, क्या है आप बताइए। आपका संपत्ति का अरहमत पेशा हमारे आजाद सीधे सीधे शेरवाने लगा के आपके पास दम 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 कर चाहे और दे भाई, और दो कहीं को देना भाई, कुछ नहीं हूँ कहीं को देना पैसा तुम्हारे को। ये वो शख्स है जो ठहर कर मैट के ऊपर जा था असेंबली करने से गांधी को हटा डाले, कहा था या नहीं असेंबली करने से गांधी का स्टैचू हटा, कहा था ये वही अहमद पाशा का भी जब दूसरे ही दिन में जलसा लगाया चांद मीनार पे, चांद मीनार पे ठहर गए, कोई टिकट नहीं कोई बात नहीं, अपनी जगह हाथ का सम्मान को लेके मैंने स्पीच दी, कहा गया है पाशा असेंबली करने से गांधी को हटाने की बात करने वाले पहले अपने घर में जो लाल और हरे गांधी आए वो हटाओ, वो लाके पुराने शहर में बांटो, वो गांधी आप जेल में रख ले रहे, वो गांधी के लिए लगातार बट्टे
बाजी कर रहे हैं, गुटेदारों को सता के पैसे ले रहे हैं, लाइट में से चला रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाए तो गांधी के पीछे हर जगह रोज सुबह से लेकर शाम तक गांधी 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 बोल के भाग रहे दुश्मन है। याद रखो अगर गांधी से दुश्मनी करी हुए तो घर की बीवी भी छोड़कर चली जाती। गांधी नहीं है तो है कि नहीं दुश्मन मेरे भाई, है तो बताए रोड पे है तो गांधी है। अगर नहीं गांधी से दुश्मनी करना है तो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाना। गांधी हर जगह बोलेगा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो गांधी की आदर करना पड़ेगा कि मुझे रोड पे गांधी है, वहां चले जाओ मोहम्मद अली जीवा है। पाकिस्तान में अगर सऊदी में गए तो वहां शाह फैसल है, वहां जाओ। हिंदुस्तान में है तो हमारा नेता का उस पर कसूर है, वो है गांधी। चलो गांधी गांधी के खिलाफ बोलने वाले आज रोड में नहीं आ गए। ऐसा देश आजाद मत किसकी जात है, किसकी जाति है। वही गांधी ने रात दिन कर अपने कपड़े उतार कर आखिरी सांस पर गोली खाकर मरने वाले का नाम गांधी। चाहते वक्त कोई लाइफ में पैसा नहीं रखे गया, आपके बाबा हुकूमत करे, पुराने शहर पे राज करे, इतनी गांधी जमा रखे उस गांव में पैसे आपके बाबा करो। गांधी वो कोई एमएलए बना, वो कोई एमपी बना, वो हिंदुस्तान का प्रसन्न ऑफ इंडिया बना और फादर ऑफ नेशन बना, हिंदुस्तान को दिए नहीं नहीं। आप जानते हैं पूरे लोग गांधी के खिलाफ करने वाले फिल्म इसलिए आप बर्दाश्त कर सकते बताओ। फिर कह रहे हैं आप लोग कि हम रोक लाएंगे विरोध लेंगे, फिर ये गांधी को बुरा करने वाले आपको कहीं नहीं बताएंगे। गांधी बताए तो पुलिस को बुलाओ, नहीं समझ में आया तो सुबह में तो वही करो, कार में बैठो सुबह में। पहली बात तो ये है ये पुराना शहर है, कब तक पतंग उड़ाएंगे भाई, कब तक पतंग उड़ाएंगे भाई। हम साल में एक बार दवा तीसरे बार को पतंग उड़ाते, शाम में तोड़ के छोड़ो कि हम आ गए। शाम में तोड़ के छोड़ देता, अब ये वक्त आ गया तो छोड़ डाले, तोड़ के छोड़ देने का क्या है भाई। अब आओ आपके सामने एम्बेसिडर कार में बैठे अपने आपको स्टैंडर्ड बना यार, क्या पुरानी तरीके के पता हो रहा है। आपको जानना होगा, आपको मानना होगा, अगर आप होशियार नहीं होंगे, अगर सवेरे सवेरे अपनी माँ बहनों को लेकर ओलिंग बुक की तरफ नहीं जाएंगे तो ये लोग फिर फोकसिंग करने की कोशिश करेंगे। याद रखो हर हुकूमत में रहने वाले लोग अगर उनके घर में जरा सा भी धर्म है, अगर वो इस देश में रहने वाले धर्म को मानता जानता रहता है, अगर वह हिंदू है तो खतरे तौर पर उनका साथ नहीं देगा। अरे देगा, कहूंगा कि वो हिंदू नहीं है, वो एमएलएम का आदमी है। अरे यार ये बताइए आप लोग, हम मुसलमान आपके साथ इसलिए ठहरे हैं कि हम सेकुलर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई, ठेला बंदी वालों की लड़ाई यहाँ से पार्लियामेंट तक ले आकर हमने कानून बनाया। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई भी माइक अलाल हाथस को नहीं कर सकता कि रोड से हट जा। हमने लगा हम लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी एक मजबूत ताकत है, हम बता सकते हैं। कलकत्ता में हो या दिल्ली में हो या बम्बई में, हर जगह हमारा एक लीडर है। हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं, कोई अमीरों के लिए नहीं भाई, रोड वालों के लिए, हमाल भाइयों के लिए, पार्टी में काम करने वालों के लिए काम करते हैं। हम आपके साथ इसलिए आए हैं
कि ये पुराना शहर आज मैं मेरी बस्तियों में गया। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आज मेरे सामने जो बस्तियों में गया तो देख रहा था मेरी ही माँ बहने जिस शहर में रहने वाली मेरी माँ बहने देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आखिर देखो एमएलए एमपी तुम तो नए शहर में रहकर राज कर रहे हो, बंगाल में तुम्हारी बिल्डिंगें हैं, तुम्हारे घर के ऊपर स्विमिंग पूल है, तुम सुबह से शाम तक ऐश आराम कर रहे हैं। आओ आकर देखो इसे मैदानी के अंदर, आओ आकर देखो मेरी माँ बहने सब सही नहीं है, करते उनके घरे गिरे हुए है, उनके सिरों के सामने पानी भर रहा है, गंदा पानी भर रहा है, पीने को पानी नहीं है भाई। अरे कोई भी इंसान पीने को पानी नहीं दे सकता तो ये शहर पर राज करने का हक क्या रखता है बताइए। मैं पूछता हूं मेरे भाई, क्या इन माँ बहनों को इन भाइयों को इसलिए रखा गया था यहाँ पर इनको और दे ये नोट देके और दे ले चले जाए? नहीं। एक एमएलए होता क्या आपको पता है? एक एमएलए जो आवाम का नौकर होता है, नौकर सेवक होता है, घर में एक नौकर रखते हैं आप, होटल में एक नौकर रखते हैं आप, तो देखते हैं इससे काम कैसा है। साफ झाड़ू दे रहा है नहीं, पोछ रहा नहीं, देख रहा नहीं, घर में तो बर्तन सही धो रही नहीं, धोरी देखते देखते या नहीं आप बताइए। यहाँ के पास आइए आप पूरे शहर के अंदर एमएलए आपका आपका नौकर हर महीना जा रहा 2 लाख रुपए तनख्वाह उठा के ला रहा। आपको पता है आप समझ रहे हमारा क्या जा रहा, हमारे बात का क्या जा रहा, वहां से ले ले रहा नहीं। आपको पता ही नहीं आपके जेब से ले रहा, आपको पता नहीं है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 2400 रुपए सिर्फ हिंदुस्तान में, उसके ऊपर 60 रुपए इस हिंदुस्तान की सरकार लेती है, उसमें से इनकी तनख्वाह जाती है, पार्लियामेंट का खर्चा जाता है, असेंबलियों के खर्चे निकलते हैं ये पेट्रोल के पैसे से। हर 1 लीटर पेट्रोल करने वाला 60 रुपए दे रहा है, हर साल सुबह उठ के 2 लीटर पेट्रोल करा के 120 रुपए सरकार को दे रहा, और सरकार उस पैसे से हुकूमत चला रही। आपके जेब का पैसा आपको पता नहीं, आपका सिस्टम सुबह उठकर एक टेस्ट लेकर टेस्ट लगाने पर 2 पैसे दे देना, चाय पिए तो 1 रुपया दे देते हैं आप, पेट्रोल लगाते ही 100 रुपए देते हैं आप, सुबह से शाम तक एक गरीब 100 रुपए देता है उसके आवाज में सरकार क्या देती बताइए। आपके डेवलपमेंट में 500 रुपए देती है सरकार आपको, आपसे रोज के 100-365 दिन साल में आते हैं उसके सिर्फ 300 दिन के भी 300 रुपए का पैसा खा जाती है और 5 दिन का पैसा आपको लगाती है। ये सरकार ऐसे होते हैं, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपका सेवक आपका नौकर कैसा होना चाहिए। खास बात से आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं आपके लोगों से मेरे यहाँ पर बैठे हिंदू मुसलमान भाइयों से एक एमएलए एरिया का कारपोरेटर आपसे जिम्मेदारी है, लाइट वाले आ रहे घरों में घुस जा रहे, नल वाला आ रहा नल का पानी नहीं आ रहा, बिल बढ़ा रहा आ रहा या नहीं आ रहा बताओ, पानी नहीं आता बिल बढ़ा रहा था आपको, लाइट 4 घंटे बंद रहती महीने में बिल कम नहीं हो रहा, वही होने वाला वो टैक्स ये टैक्स ये टैक्स वो टैक्स ये चौबा ये है। आज पूरा देश बिक चुका है आपको पता नहीं है, अगर अभी भी तुम नहीं जाओगे तो याद रखो फिर से हमें गुलामी की तरफ जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को गुलामी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा आपको। वो लड़ाई हमने अंग्रेजों से हमारे पुराने लोग लड़कर खून बहाकर हिंदुस्तान को आजाद कराया, फिर आज ये कांग्रेस सरकार ने मुकम्मल देश को बेच बेच कर अपना काम चल रहा है। आपके शहर का एयरपोर्ट जिसके अंदर लगातार आपको बता रही हूं जिसके इंसाइड के ऊपर कम से कम 8 मंदिरें थी,
उसके अंदर चार मस्जिदें थी, चार कब्रिस्तान थे और तीन दरगाहें थी, जो सबको जीओमार्ग की तरफ से भेज दिया गया। और आपका एरिया का एमपी, आपके एरिया के एमएलए एक लफ्ज नहीं बोले, एक आवाज नहीं उठाए। ये आवाज बाबरी मस्जिद के उठाते रहे, अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बाद हर आवाज में उठाते रहे। एयरपोर्ट के पास की मस्जिद की बात नहीं उठाते, क्यों? जीवमा लौट लेता है भाई, लौट देते हैं, इमाम देते हैं, मस्जिद देते हैं, मंदिर बेचने वाले लोग है। आपको बता रहे कौन सा हिंदू भाई था वहां के मंदिर तथियों को गया था, बताइए। आपको बता दिए बताए क्या, बताइए, किसी को नहीं मालूम। मेरे भाई मस्जिद होगी वहां पर, बताए टूट गई चले गई, बाबरी मस्जिद का एकदम खराब चल रहा है। क्यों? पॉलिटिकल है, इससे नोट बनाना है, इससे वोट बनाना है, इसीलिए चला रहे। मैं पूछता हूं यही मंदिर से ज्यादा मुस्लिम से, पहले तुम यहाँ के मस्जिद का हिसाब करो, बाबरी बाबरी मस्जिद का हिसाब करो, नहीं करेंगे तुम। मैं पूछता हूं इस शहर के नौकरों से, इस शहर के काम करने वालों से कि आप लोग कब तक हमको बेवकूफ बनाएंगे? बस बहुत हो गया। आप रहते नए शहर में, पुराने शहर में पहले के जागीरदार मनसबदार नवाबा करते सब काम फिर कर रहे हैं लोग। आजाद भूल कर भाई किसी के गुलाम नहीं है, अपने और पास साल लेते हैं। आप रोड देकर रात के लिए लेते हैं, लेते भाई आज बनाओ नोट लो और सुनाने नोट लो। नहीं, अगर कोई हिंदू भाई, अगर कोई मुसलमान एक देता है तो समझ में आए वो भी तो वो मस्जिद का सौदागर है, मंदिर का तोड़ने वालों में शामिल हो तुम बराबर। अगर तुम्हारे को तुम्हारे दिल के अंदर जरा भी दान धर्म है, तुम्हारे को धर्म के नाम की चीज कहीं भी है तो तुम मुझको और तोड़ दो। आज हैदराबाद में मुसलमानों को मोदी से डराया जा रहा है, मोदी सरकार आ रही है, लिहाजा उनको लाना। आज जाके पार्लियामेंट में क्या कर रही है भाई? चलिए जी आज से असलम के पास बाबरी मस्जिद टूट गया, आप क्या करें? दूसरे कामों में क्या करें? आज साल तक गिरफ्त झंडा भी नहीं उठाए, अब उठा रहे हैं। मोदी भाई आ रहे हैं, मोदी सरकार हो रही है, मोदी का सिस्टम बन रहा है। आपको इतने फिक्र करने की जरूरत नहीं है बाबू। यहाँ की गली अजमल तहजीब हिंदू और मुसलमान एक जगह होकर अपनी तरीके की सरकार चलाएंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, बेघर लोगों को खा देंगे, बे बच्चे को पढ़े लिखे लोगों में नौकरी देंगे और हमारे अच्छे हालात होंगे। हम ले रहे हैं दो लाख जॉब निकल रहे हैं, एक और दो नहीं भाई, दो लाख नौकरियां निकल रही है जिसमें 30,000 तुम्हारा हिस्सा है। हर घर को एक नौकरी आती सरकारी नौकरी, केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, आपको मिलेगी। चंद्रशेखर राव जो चंद्रबाबू नायडु की हवा खोल दिया उसका नाम चंद्रशेखर राव है। बेफिक्र है तेलंगाना में भी ऐसा एक लीडर है जो बड़े बड़े की हवा खोल सकता है तो दुबला बदला, दिखने में दिखते आपको दुबले बदले, मगर आज कांग्रेस परेशान, तेलुगुदेशम परेशान, देखने परेशान, आंध्रा की पूरी लॉबी परेशान, पूरे दिन के पैसा डालते भी तेलंगाना को नहीं रोक सके। क्योंकि चंद्रशेखर राव का दिमाग दिमाग नहीं है, 25 कंप्यूटर बनाते एक बनता। इसलिए पुराने शहर में चंद्रशेखर राव ने कहा चौदह आखिरी पूरी लड़ाई का तरीका एक बेहतरीन है कि हम केचुआ डाल के मच्छी निकाले। जाओ अपने खौफ से कहो मैं तुम्हारे बीच आया हूं, सिर्फ चार मिनार को पूरा नहीं, चार मिनार का डेवलपमेंट लेके आप शहर देना हमारे आपको, फिर चार मिनार का डेवलपमेंट ना हुआ तो शहर से वापस भी जा लेना। मैं आपके लिए यही कह रहा हूं, अगर आप तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक मेंबर को अगर चार मिनार पे जिताते हैं तो पूरे शहर पुराने शहर की तरक्की का मैं जिम्मेदार।
आपके बच्चों की नौकरियों का मैं जिम्मेदार, आपके घरों के पास पानी देने आ रहे उसका मैं जिम्मेदार, लाइट का मैं जिम्मेदार, यहाँ के बच्चों की तालीम का मैं जिम्मेदार, ये सारे चीजों की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर पैसा कैसे लोगों को और देंगे तो फिर सुबानी उनकी आप रुक रहेंगे, फिर पाचा जाएंगे, कोई मंदिर के सामने बैठ जाएंगे, नहीं तो कोई मस्जिद के सामने बैठ जाएंगे, कोई यहाँ चुकाने के सामने बैठ जाएंगे, कैसा खाना वो बताएंगे, उसे आज तक कुछ नहीं है उनके पास, उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनका सिस्टम नहीं है, खाली मजहब साहब आज के लोग वोट मांग रहे हैं, लोग आज बात पूरे हम मुसलमान है भाई, हमें वोट दीजिए भाई, हम मुसलमान है हमें वोट दीजिए, हिंदू भाइयों के आगे भाई ये वोट दीजिए, वोट दीजिए, क्या है ये आपके एरिया में कहा था, मुझे किसी हिंदू का वोट नहीं चाहिए, कहा था या नहीं कहा था बताइए आपको, कोई हिंदू का वोट नहीं चाहिए, फिर आज क्यों आ रहा है हिंदू का वोट लेने के लिए पूछ रहा हूँ, उनका एक एजेंडा होना चाहिए, नहीं स्टैंडर्ड ही नहीं, अपनी बात पर नहीं धरने वाली है जमात, आज आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक ही विनती कर रहा हूं कि आप उठो जागो, इसलिए अगर आप 30 तारीख को अगर आपका वोट गंजी से भी बढ़ाए तो समझ जाओ कि किसी दिन 5 साल के लिए मुसीबत आ रही है आपको, आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे अपील करता हूं, आपके शिक्षण में बात करने के लिए कह रहा हूं, बड़ा मेहरबानी प्लीज 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 सोचो समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करोड़पति हूं, मैं भी वोट डाल दूंगा, नहीं मैं बंदियों वालों का लीडर हूं भाई, चाहिए चार मीनार दे, एक ही फ्रोड वाले के बंदी वाला मक्का मस्जिद के सामने जितने बंदियां हैं जाकर पूछिए, अगर कोई भी कह दिया कि मैं 1 रुपया का उसका रवादार हूं, रुपया 1 रुपया अगर मैं लिया हूं उनसे तो कल लाख मार के बढ़ा देना, दोस्त 20 साल की जिंदगी में 1 रुपया नहीं लिया मैं किसी बंदी वाले से, क्यों मुझे पता है कि मैं किसी के हक के लिए लड़ रहा हूं, मुझे पता है कि मैं गरीब के लिए लड़ रहा हूं, मेरा काम है मेरा धर्म है लड़ना तो लड़ रहा हूं, ऐसे कहा मैं 14 साल तेलंगाना राज्य समिति तेलंगाना के लिए लड़ रहा हूं, और आज पुराना शहर सेना ठोक के कह सकता है कि हम भी पुराने शहर में लड़ाई लड़े तो हमारे भी पुराने शहर के लीडर्स थे और उन्होंने भी तेलंगाना के लिए अपनी जद्दोजहद की लड़ाई लड़ी और कामयाब हुए, भाइयों आपसे विनती करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, बस बस कर दो, कम से कम आंध्रा की जिम्मत खत्म हो गई, आंध्रा से हम तेलंगाना ले चुके, आप बारी इनकी है भाई, अगर आपको तुम चार मीनार आजाद नहीं कराओगे तो याद रखो फिर तेलंगाना को 10 साल तक ये भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक मरतबा भी तेलंगाना की तारीख में बयान नहीं दिया, उसका बदला लेने का तरीका इलेक्शन में है, अगर किसी हिंदू भाई किसी मुसलमान भाई तेलंगाना को चाहता है, तेलंगाना की तरक्की चाहता है तो उसे जरूर चाहिए, तो वो ये तय कर लिया आपके कि हम अपना वोट नहीं आपका वोट किसको जाएगा, आपके जाएगा तो कार को ही जाएगा, अगर सिस्टम में भाई साफ साफ बात है जाएगा ना उनके मान पे जाएगा तो हिंदू का वोट जाएगा, अगर पुराने शहर के एमएलए के लिए जाएगा तो यहां बड़ी बात भी को नहीं जाएगा, कार को नहीं ले रहे हैं आप लोग, अपना बड्डा दे रहे हैं कहकर डालो आपको, अगर मैं बदल दिया अगर मैं आ गया इस तरह से नहीं जिस तरह आज पदयात्रा कर रहा हूँ गली गली पे रहा हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ जीतने के बाद भी आपके गलियों में ऐसे ही देखते रहूंगा, एमडिविजन में आपके मसाइल ऐसे ही देखते रहूंगा, आपके प्रॉब्लम आपके पास आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्या क्योंकि मैं गरीबों का ही लीडर हूँ,
और पैसे वालों का लीडर नहीं हो भाई। अगर आपके लिए आप पूरे के पूरे यहाँ हिंदू भाई मौजूद है, आप लोगों को पूरे खसम खा के बताओ, आप लोग आपके धर्म की खसम खाओ, आप लोग आप बताओ सीबीएस दस डी पे आए अभी से वहां पर मिल गया है, उसमें यहाँ रहने वाला पुराने शहर का एक भी बताइए ओनर है क्या? एक आदमी एक करोड़ का बिजनेस है भाई भाई, एक आदमी हमारा नहीं छोड़ दीजिए। हमारे पास ही हाईकोर्ट, हमारे पास ही सिटी सिविल कोर्ट, हमारे पास ही ये सालाचंद म्यूजियम, वहां पर किसी का हाथ बताइए, एक आदमी का साइकिल स्टैंड भी आपके नाम पे है क्या? तो छुड़ाया है मेरा भाई नहीं। अरे हम अपना पेट काटने के लिए बस शहर के बाहर जा रहे और ये लोग बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं पुराने शहर की तरक्की हमारे तरफ से हुई, तुम्हारे नहीं तरफ से कहा से हुई भाई? तुम एक घर को 1,00,000 रुपए दिए होता है नहीं, किसी को 1 करोड़ रुपए दिए नहीं, 1 रुपया दिए बताओ नहीं, फिर इलेक्शन में नोट खर्चा करे और ये चलते फिरते हो जाओ। मेरे भाई से विनती करूंगा, आज आज जो फूल के हार डाल रहे हैं, अगर मैं आपके लिए काम नहीं करा तो जूतों के हार डालना आप लोग नहीं, फूल के हार तोड़ने जाओ उसी को है जो पब्लिक का काम करता है, मैं तो जूतों के हार तोड़ने जाओ है उसको। आप बताइए पुराने शहर में 40 साल हो गए, 40 साल में बताइए इन्होंने कितनी मरतबा क्या काम किया बताइए, और फिर आज आप शहर में आ रहे हैं, आप क्या देंगे, फूल के हार देंगे या जो के हार देंगे? क्योंकि उनको कोई हक नहीं है वोट मांगने का, एक के साथ ये हुकूमत देंगे पुराने शहर के। ये बताओ यहाँ पर बैठे हिंदू और मुसलमान, खुशूस मुसलमान भाई जो अन्ना उनको बराबर वोट देते हैं, अपना फर्ज समझ के वोट देते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ तो आप कैसा सोचते हैं? आप मुसलमान है ना, चलो मुसलमानों पे बात कर लेंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो आप ये देखो आपके बड़ों ने उनके दादा की गुलामी की उनको वोट देते आए, आप उनके बाप की खिदमत करें उनको वोट देते रहे, उनके बाद उनके पोतरे आ गए, तीन श्री पीढ़ी है, उन्होंने आपके लिए क्या क्या बताइए, एक सी बनाने की इंडस्ट्री डाली क्या बताइए लोग नहीं, एक कमा बनाने की इंडस्ट्री डाले क्या बताइए नहीं, खाली है लोग माल बनाओ आंदोलन चलाए, सिर्फ नोट बनाओ आंदोलन चलाए, दूसरा कोई काम नहीं करे, जब आए मजहब के नाम पे वोट मांग लिए, साहब के नाम पे वोट मांग लिए, मुसलमान के नाम पे वोट मांग लिए, चलते फिरते नजर आए। आप बताओ मुसलमानों भाइयों, आप मुसलमान है या खानदानी गुलाम है बताइए आप लोग नहीं, आप मुसलमान है तो हद से बताइए, घर के नौकर रखते हैं आप लोग, घर के नौकर को भी बोलना भाई तो हिंदू भाई है, मैंने को मांगा 3,000 रुपए ले लिया आके नहीं, मुसलमान भाई है बोले बोला भाई तो मुसलमान है, मैंने को आप तनख्वाह लेके जा काम करने की जरूरत है, एक घर के नौकर को बर्दाश्त नहीं करते तो आप तनख्वाह नहीं देते, ये शहर के नौकर को कैसा बर्दाश्त करते कुछ हो गया पीछे के दरवाजे से बोला, इसलिए खामोश है नहीं, आपको बदलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा आपका हक क्या है। कह रहा हूं कि शहर को छुटकारा दिलाना है तो आपको एमपी भी बदलना होगा, एमएलए भी बदलना होगा, बदलने के लिए क्या करना होगा मैं एक एक घर जाके कह रहा हूं क्या करना होगा, कह रहे हैं ना समझ में आ रही है ना मेरी बात, आपके वोट कैसा देना है वो भी मालूम है आपको, कैसा क्या चलाना है वो भी मालूम है आपको, आपके लिए पुराने शहर चांदना से असेंबली में कारी जाना है, ये भट्टी कदम में चलना है, लेके आके हर जगह पे जा समझ में आया, जो दीवार पे टपका गई बगल होने वाली पतंग है भाई, पतंग किसको कहते हैं बताइए आप लोग, जो रोकती है उसे पतंग बोलते, जो लटका तो उसको पतंग नहीं बोलते,
नहीं, अब के भाई हम घूमने वाली बेटन समय में एक बार दोबारा उड़ाते कार में तो हमेशा बैठने की चीज है ना, इसीलिए कार में बैठ जाओ, पतंग को फाड़ो फेंक डालो, पानी में गिर जाए तो भूल भूल जाए, इसीलिए मेरे भाई ने बहुत कहा अब के लिए पता है पानी में बिक गई उड़ने वाली नहीं है। आपके घर के सामने फिर जो नालियां बह रही है आपको पानी नहीं मिल रहा है, आपका लाइट का प्रॉब्लम, आपके घरों में धारे जलाकर फिर आपसे आपके हमदर्दी करने को लोग तेलंगाना राज्य समिति अपना प्रोग्राम रखती है, अपना सिस्टम रखती है, अपने कुछ काम करने के तरीके बनाई है, उसके ऊपर आपसे बात कर रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अब की बार यहाँ पर तेलंगाना सरकार के लिए असेंबली में कोशिश करना है आपको।